नमस्कार दोस्तों, DC247 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो है बहुत बड़ी दुखद खबर बताने वाला हूँ। कल जो है 31 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जो है डेथ हो गई है, तो उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बताना चाहूँगा, प्रणब मुखर्जी की जो है जन्म कहाँ कब हुआ है। 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ जन्म हुआ है? पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले के मिराती गांव में हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए, पश्चिम बंगाल के ज़िले में, कहाँ? बीरभूमि जिले के मिराती गांव में हुआ है। और डेथ कब हुई है? 31 अगस्त 2020 को जो है इनकी डेथ हो गई है। मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी टाइम से जो है बीमार चल रहे थे, और कोविड-19 के कारण जो है कोरोना ग्रसित हो गए थे, और जो है मस्तिष्क की इन्होंने सर्जरी भी करवाया था। काफ़ी समय तक ठीक रहे, मगर एकदम से जो है इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो 31 अगस्त 2020 को जो है इनकी डेथ हो गई। थोड़ा और बताना चाहूँगा इनके बार में, ये राष्ट्रपति कई बार एग्जाम पूछ चुका है, ये भारत के राष्ट्रपति कब से कब रहे? तो ये 2012 से लेकर 2017 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे, और किस नंबर के रहे? कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, 13वें नंबर के थे। याद रखिए, किस नंबर के? 13वें नंबर के। और थोड़ा बताना चाहूँगा, इसके बाद अभी 14 नंबर के, अभी आप लोग सभी लोग जानते हैं रामनाथ कोविंद, 14वें नंबर के, जो बिलोंग टू कहाँ? कानपुर से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। इनको जो है पद्मभूषण अवार्ड कब मिला? 2008 में। तो एग्ज़ाम में बन सकता है, तो याद रखिए कब मिला इनको? 2008 में। और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब दिया गया? 26 जनवरी 2019 को रामनाथ कोविंद जी ने दिया इनको, 26 जनवरी 2019 को भारत का सर्वोच्च सम्मान। तीन लोगों को मिला था, बताना चाहूँगा आपको। पहले तो प्रणब मुखर्जी को मिला, इसके बाद जो है नानाजी देशमुख को मिला, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से? चित्रकूट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद भूपेन हजारिका जी को मिला, जो कि असम से बिलोंग करते थे। ठीक है, उनकी भी जो डेथ हो चुकी थी, अब जाके इनकी भी डेथ हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनको थोड़ा पहले मिल गया, तो मतलब लाइफ मतलब जीने में इनको मिल गया, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई थी। तो याद रखिएगा, 26 जनवरी 2019 को इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इसके बाद बेस्ट सांसद का पुरस्कार दिया गया था 1997 में। एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में, 1997 में जो है वेस्ट सांसद का जो है पुरस्कार दिया गया 1997 में। और इन्होंने रोजगार का अधिकार, नाबार्ड बैंक की स्थापना, सूचना का अधिकार RTI, और 2004 से लेकर 2012 के दौरान UPA 1 और UPA 2 सरकार में कई अहम फैसले लिए। ये फैसले कौन थे, कौन कौन से फैसले थे? रोजगार का अधिकार, नाबार्ड बैंक की स्थापना, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया, आप लोग सभी को पता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, भारत और USA के बीच इन्होंने जो है परमाणु डील की थी, ये आ सकता है एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा, भारत और USA के बीच परमाणु डील की थी, तो याद रखिएगा आप लोग। और थोड़ा बताना चाहूँगा, 1969 में ये राज्यसभा के सदस्य पहली बार बने। कब बने? तो याद रखिएगा, 1969 में राज्यसभा के पहली बार सदस्य बने थे, तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम में बन सकता है क्वेश्चन कि राज्यसभा के पहली बार सदस्य कब बने थे, तो कब बने थे? 1969 को। और बताना चाहूँगा, 1982 से लेकर 1984 तक ये भारत के वित्त मंत्री थे और वाणिज्य उद्योग मंत्री थे, याद रखिएगा, बन सकता है क्वेश्चन। जो प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति थे, ये भारत के जो है वित्त मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री कब से कब तक थे? तो 1982 से लेकर 1984 तक ये भारत के क्या थे? वित्त मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री थे। इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 1991 से लेकर 1996 तक ये योजना आयोग के क्या थे? उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा, 1991 से लेकर 1996 तक ये क्या थे? योजना आयोग के उपाध्यक्ष। आप लोग जानते हैं कि मोदी साहब ने जो है योजना आयोग को, पहले योजना आयोग था, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी नंदा देवी थे। ठीक है, जिसको ये लगभग 65 साल की पुरानी संस्था थी, जिसको नरेंद्र मोदी ने ट्रांसफ़र कर दिया, किसमें? नीति आयोग में। ठीक है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को जो है नाम बदल दिया, क्या कर दिया? राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान,
और कर दिया क्या नाम, नीति, NITI। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और बताना चाहूँगा आप लोगों को मैं, इसके जब प्रथम हमेशा अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जब इन्होंने चालू करवाया था। और जो है उपाध्यक्ष कौन थे उस समय, तो याद रखिएगा उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया साहब थे, याद रखिए अरविंद पंगड़िया साहब थे। और थोड़ा बताना चाहूँगा आपको मैं, जो उस समय CEO कौन थे, सिंधु खुल्लर साहब थे। और अभी प्रेजेंट टाइम में राजीव कुमार जो हैं नीति आयोग के जो हैं उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, और CEO हैं अमिताभ कांत। तो याद रखिएगा वर्तमान में राजीव कुमार हैं और जो है CEO कौन है, अमिताभ कांत। ठीक है, चलिए अब बैक टू द पॉइंट आते हैं, अपन राष्ट्रपति पे आते हैं। थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, इनकी जो है 4 पुस्तकें हैं इम्पॉर्टेंट है, एग्जामों में आ सकता है। ये तो रेलवे में 2018 के पेपर में आ चुका क्वेश्चन, कोलेजियन ईयर्स 1996 से 2012। तो याद रखिएगा, ठीक है, उन्होंने पूरा बताया है 1996 से लेकर 2012 में कांग्रेस के पूरे बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरी नंबर है ऑफ द ट्रैक, दूसरी पुस्तक का नाम क्या है, ऑफ द ट्रैक। और तीसरी पुस्तक का नाम है द मैटिक डिकेट, द इंदिरा गांधी ईयर्स 2014, याद रखिएगा। ठीक है, फिर से रिकॉल कर देता हूँ, एग्जाम में आ चुकी क्वेश्चन पेपरों में, द डेमेटिक डिकेट, द इंदिरा गांधी ईयर्स 2014। ठीक है, और चैलेंज बिफोर द नेशन 1992। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किए हैं, काफ़ी पुस्तकें थी, मुझे 4 पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट लगी जो कि एग्जाम में आई हुई, हो सकता है PSC में आप लोग के पूछ ले जब भी एग्जाम हो, और रेलवे का एग्जाम होगा और जेल पर कभी पूछ सकता है एग्जामों में, तो आप लोग थोड़ा सा 4 पुस्तकें जरूर देखिएगा। ठीक है, सेलेक्टेड को मैंने छांटा है बुक। ठीक है, चलिए और थोड़ा बता देता हूँ थोड़ा सा, ये जो भारत की राष्ट्रपति, फिर रिकॉल कर दे रही है, राष्ट्रपति कब थे, तो याद रखिए 2012-2017 तक ये राष्ट्रपति थे। किस नंबर के, 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और पद्मभूषण कब मिला था, 2008 में, और भारत का सर्वोच्च सम्मान 26 जनवरी 2019 को इनको प्रोवाइड हुआ था। ठीक है, और बेस्ट सांसद का पुरस्कार कब मिला, 1997 में। ठीक है, इन्होंने UPA 1 और UPA 2 सरकार में कौन कौन सा लेके आया, रोजगार का अधिकार, राष्ट्रीय नाबार्ड बैंक की स्थापना इन्होंने की। ठीक है, और सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास करवाया, याद रखिएगा। और दो, ठीक है, और भारत और USA के बीच परमाणु डील करवाई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करिए सब, थैंक यू वेरी मच।